नमस्कार, मेरा नाम है सुमित जोशी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे पास डुरियन फूड है 553 के रेट से, 150 है शेयर से टोटल, तो उसके बारे में जानना था। हेलो, जुबिलेंट फूडवर्क्स 553 की बाइंग है, आपका होराइजन क्या है सुमित, ये भी बताइए प्लीज। लॉन्ग टर्म भी चलेगा। ओके, लॉन्ग टर्म का व्यू है 553 की बाइंग है जुबिलेंट फूड्स में। देखिए, अगर हम ट्रेंड या स्ट्रक्चर की बात करें तो वो नेगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड दिख रहा है। डेली चार्ट पे भी, वीकली चार्ट पे भी 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो अभी तक का तो स्ट्रक्चर वीक है। लेकिन मैं निकलने के लिए राय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा समझना है कि 460 रुपए से लेकर 420 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं स्टॉक में, तो क्योंकि इन्होंने इतना पेशेंस रखा है तो मेरी राय में तो बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, अगर आप आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपके 450 के नीचे रहेंगे। 450 के स्टॉप लॉस से आप फिलहाल के लिए बने रहिए। मेरा समझना है कि रिकवरी देखने को मिलेगी तो फिर वापस आपको 525 540 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे, तो आई थिंक फिलहाल के लिए बने रहिए 449 के स्टॉप लॉस के साथ।